रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर ओ ए लेवल स्टूडेंट्स। एक नया ऐसे और उसका माइंड मैप, हाउ टू लव ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग बीइंग्स। देखिए, ये पास्ट पेपर से मैंने लिया है और मैं तमाम अपने लेक्चर जितने भी ओ ए लेवल बच्चों के लिए कर रहा हूँ, सब मैं पास्ट पेपर से टॉपिक लेता हूँ और उसका माइंड मैप तैयार करके आपको देता हूँ। इंसान की नेचर में सबसे मोहब्बत करना है, इंसानों से भी, जानवरों से भी, पौधों से भी। अच्छा, इसलिए इंसान फैमिली के साथ रहता है और मोस्टली पेट भी रखता है। अगर पेट ना हो तो कम से कम परिंदों से, जानवरों से प्यार करता है, उनको पानी दाना वगैरह डालता है। मैं बारी बारी बताऊंगा कि इंसान इंसानों से मोहब्बत कैसे करे, हाउ टू लव कर टॉपिक करें तो हाउ टू लव। देखें, इनके साथ इंसानों से मोहब्बत ऐसे करें कि इनके साथ वक्त गुजारें, उन्हें फ़ोन करें, गले मिलें, खाने पर बुलाएं, मोहब्बत भरे अल्फाज उनके साथ बोलें, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, थैंक यू, इनकी बात बगैर इंटरप्शन के सुनें। कभी कभी कोई गिफ्ट भी उनको दे दें, उनकी फीलिंग्स का एहतराम करें, उनकी बीमार पुरसी करें, उनकी चुगलियाँ गीपते ना करें, उन्हें ड्यू रेस्पेक्ट दें, उनकी कोई शय बगैर इजाज़त आप ना लें, मुहज़्ज़बाना उनसे गुफ्तगू करें, नए अगर हमसाए आपके आए हैं तो उनको आप वेलकम करें, उनकी अगर कोई शय गुम हो जाती है ढूंढने में आप उनकी मदद करें, उनसे झगड़ा ना करें, उनके बच्चे अगर आपके घर आते हैं तो उनके कुछ खाने पीने को कुछ ना दे दे, बेशक टॉफ़ी दे दे, बिस्किट दे दे। और अगर कोई आपके मोहल्ले में से कोई आपका हमसाया और मुस्तकिल जा रहा है तो एक अलविदाई जो है ना, एक लंच या डिनर आप उनसे कर सकते हैं। उनसे झगड़ा बिल्कुल ना करें, सुलह करके रखें, उनको धोखा ना दें। और अगर वो कोई उनसे गलती हो जाती, माफ़ी मांगे, उनको फ़ौरन माफ़ कर दें। और अगर आपकी गलती हो गई तो आप भी उनसे माफ़ी मांगने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, अब मैं आता हूँ जानवरों पे। देखिए, हम जानवरों से मोहब्बत कैसे करें, ये भी एक क्वेश्चन है ना। देखिए कि जानवर तो बहुत सारे हैं, परिंदे भी हैं, चातुर्स भी हैं, दरिंदे भी हैं, वगैरह वगैरह सब जानवर हैं, मवेशी भी हैं। एक तो अल्लाह ताला का हुक्म है, इसलिए हम आप जानवरों से मोहब्बत करते हैं। दूसरा, आप सल्लम का भी फरमान है। देखिए, ये बेजुबान है लेकिन एहसासात तो रखते हैं, हमारे साथ मुखलिस है, हमें धोखा नहीं देते, हमारे बहुत काम आते हैं। इनसे मोहब्बत यानी वो समझे कि अगर हम इनसे मोहब्बत करेंगे, इनका ख्याल रखेंगे, यही हमें जन्नत में ले जाएगा। चीज़ हमसे यानी आपने वो सुना होगा वाक्या कि एक फाहिश औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया और वो जन्नत में चली गई। ठीक है ना, तो ये हमसे प्यार करते हैं, दुखी वक्त के हमारे साथी हैं। अगर हमें कोई बहुत दुख पहुंचता है, डिप्रेशन में, हम इनके साथ जाते वक्त गुजारेंगे, यकीन करें हमारा डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। हमें अंडे देते हैं, दूध देते हैं, गोश्त देते हैं, वो हमसे अनकंडीशनल लव करते हैं, वो हमें जज नहीं करते, हर वक्त कुछ ना कुछ खाने का तकाजा भी नहीं करते, हमारी हिफाजत करते हैं और हमारे गम में खुशी मुहैया करते हैं, हमारे तन्हाई के साथी हैं। ठीक है, और रोज़ एक जैसा खाना खा के भी हमसे गिला नहीं करते और हमसे बहुत वफादार है। ठीक है, तो इसलिए हमें इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। अब बारी बारी मैं आता हूँ, हम परिंदों से कैसे मोहब्बत करें। देखिए, परिंदों से मोहब्बत का तरीका एक तो ये है कि खाम खा उनको हम कैद ना करें। खाम खा अगर हमने उनको पकड़ा ही हुआ है अपने, तो उनको जो उनका ड्यू, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो हम उनको दें। मसलन अगर कबूतर है, पिजन्स हैं, तो आपको पता है वो उड़ना चाहते हैं, उनको उड़ने दें। हर जो जो जिनका अगर कुत्ता है, उसको वॉक का बड़ा शौक होता है, उसको बाहर सैर कराएं। अच्छा, परिंदों की मैं बात कर रहा था, तो दस्तरखान पे जो क्रम्स गिर जाते हैं ना, वो आप डस्टबिन में नहीं फेंके, वो वहाँ फेंके जहाँ से परिंदे उनको चुग लें। फिर परिंदों और चूंटियों के लिए भी आप जो है बाहर अपना वो फेंक सकते हैं, जहाँ पे चूंटियाँ होती हैं वहाँ पर उनको फेंके, समा अपने क्रम्स को। हड्डियाँ वगैरह होती हैं, वो चीलों कबों के लिए बाहर डाल दें, उनको यही चीज़ें पसंद है। छिछड़े बचे हैं, वो बिल्लियों के लिए डाल दें। और इनके साथ परिंदों अगर आपके उन्हें पाले हुए, तो उनके साथ आप कुछ वक्त भी गुजारने की कोशिश करें। सहन में उनके लिए आप खुला पानी रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जगह जगह पानी रखो, परिंदे आके उन वहाँ से पानी पियेंगे और आपको स्वाब का स्वाब मिलेगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ मवेशियों में। ये कि आप उनको एक तो चारा अच्छा दें, उनको सैर वगैरह कराया करें या खुला छोड़ें, गाय बगाए डॉक्टर से चेक कराएं, उनसे खेलें, उनसे बातें करें, उन्हें कंपनी दें, उन्हें इतना चारा दें जो उनकी खुराक है। जैसे देखें,
ये जो परिंदे है, रीच है, ये अपने वजन का 0.025% जो है ना ये खाते हैं, उनको उतना दें। घोड़ा तकरीबन 38 पाउंड खुराक खाता है। उसके अलावा जो खरगोश है, ठीक है ना, ये तकरीबन 0.09 अपने वजन का जो है ना ये खाता है, इसको आप बहुत ही मुहैया करें। शेर अगर आपने पाला हुआ है तो तकरीबन 5 से 7 किलो गोश्त उसको रोज चाहिए, वो आप उसको दे। चीता पाला हुआ है तो 4 से 5 किलो वजन अपना वजन का यानी गोश्त ये खाता उसको दे। ये जो हिरन है या मवेशी हैं, ये अपने वजन का 2.5% रोज खाते हैं, आप उनको दें। अच्छा, फिर ये कि जो हमारे लादू जानवर जो है ना लोड करने वाले जानवर होते हैं, उन पर हम ज़्यादा बोझ ना लादें। देखें जैसे खच्चर है ना, खच्चर तकरीबन 2000 kg तक वजन उठा सकता है, तो उससे ज़्यादा बोझ ना दें, उससे कुछ कम रखें। ऊँट है तो तकरीबन 3000 kg तक वजन उठा सकता है। गधा तकरीबन 1200 kg तक उठा सकता है। घोड़ा तकरीबन 900 kg तक उठा सकता है। हाथी तकरीबन 5000 kg तक उठा सकता है, तो ज़रा कम ही वजन रखें। और ऑक्स, बैल वगैरह ये तकरीबन 1200 kg तक वजन उठा सकते हैं, तो उनको उसी हिसाब से उनको उन पर वजन ला दें आप। अगर ये जो दरिंदे हैं, देखिए कि इन पर तवज्जो करें, गाय बगाए डॉक्टर से चेक कराएं, उनके साथ वक्त गुजारें, चलने फिरने की उनको जगह दें, और इनका जो गोश्त है वो बड़ा प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और इन ये कंपनी में भी खुश होते हैं, इनके साथ इनको कंपनी भी आप दें, और जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको दिया करें। यानी लोग दरिंदे पाल लेते हैं लेकिन जितना उनकी रिक्वायरमेंट है वो उतना गोश्त उनको देते नहीं, नतीजा कि ये दिन ब दिन कमज़ोर होते जाते हैं और फिर उनको घूमने फिरने के लिए कोई ख़ास जगह नहीं मिलती। अच्छा, हमें हशरातुल अर्ज से भी प्यार करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि दस्तरखान की जो ज़रात है वो उनकी बिल के पास डाल दें, उनकी बिल में हम पानी ना डालें, रोज़ थोड़ा सा आटा उनकी बिल के पास डाल दें, ठीक है ना। तो जितना हम उनका ख्याल रख सके, जितने भी जानवर हमें सबसे मोहब्बत करनी है, और खाम खाम चूंटियाँ कीड़े मकोड़े मत मारते, फिर एक चीज़ हमें कोई तकलीफ ही नहीं दे रही लेकिन हम फिर भी उनको मार रहे होते, ऐसा नहीं करें। अच्छा, फिर ये कुछ लोगों ने पेट पाले होते हैं, उनके साथ हमें और ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, हम उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें सीखना चाहिए ताकि हमें पता हो ये चाह क्या रहेगा, क्या उनको तकलीफ है या इस वक्त उनको भूख लगी है या वो हमारा साथ चाहते हैं या हमें हमारे साथ खेलना चाहते हैं। और फिर हमें चाहिए कि हम उनको नई नई जगह की सैर भी कराएं, इनको बहुत अच्छा लगता है, उन्हें कंपनी देना चाहिए, इंसानी कंपनी में वो लोग खुश रहते हैं, वो खुश रहते हैं। उन्हें हम बेवकूफ़ ना बनाएं, ये लोग बाज़ूकात लोग समझते हैं कि ऐसी वो नाराज़ होते हैं, वो बहुत फील करते हैं, इनको उनको गुस्सा ना दिलाएं, खाम को उनके पीछे ना भागे, पीसफुल रहने दें, अपने और उनके दरमियान जो डिस्टेंस वो लाइक करें उतना रखें, उनकी जगह भी साफ रखें, गोबर वगैरह सारा साफ करके रखें रोज़ का रोज़, उन्हें भूले नहीं, वो इस चीज़ को बहुत फील करते हैं, उनके भी एहसास हैं, उन्हें पसंदीदा ग़िज़ा उनकी दे, उनको पेट भर कर खाने दें, उन्हें मारे नहीं, कि ये ना कि अगर आपके इख्तियार है तो उसको मारने लग जाते हैं। ये जो जानवर से अच्छा सलूक करें इंसान को जन्नत में ले जाएगा। जैसे मैंने कहा ना कि एक फाहिश औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, वो जन्नत में चली गई, और एक आबिदा ने बिल्ली को 3 दिन भूखा रखा, बिल्ली मर गई, वो आपदा दोजख में चली गई। और लास्ट पॉइंट, पौधे भी जानदार हैं, पौधों को भी हम खामखा ना तोड़ें, वक्त पर पानी दें, खाद दें, और कुछ वक्त हम पौधों के साथ गुजारें क्योंकि हमने पौधे अपने लॉन में लगाए हुए हैं, उनको भी उनकी भी ऐसी फीलिंग्स है कि उनको अच्छा लगता है। तो ये तरीका था मोहब्बत करने का इंसानों से, जानवरों से, आपके पेट हैं या हशरातुल अर्ज है या दरिंदे हैं या परिंदे हैं, जो भी हैं, तो हमें सबसे मोहब्बत करनी है और कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।